नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिव्यांग बच्चों ने लगाई पानी की छवि, न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, भले ही समाज से बिल्कुल अलग हैं। वे किसी की आवाज़ कानों से नहीं सुन सकते, अपने अंदर का एहसास बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। हालांकि जिसके लिए समाज का फर्ज है कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल करे, मगर वे उन्हें किसी से कम न समझें, क्योंकि वे लोग भी करते हैं समाज का फिक्र। तपते सूरज की चलचलाती गर्मी में उनको भी एहसास है कि तेज गर्मी से हर कोई परेशान है, इसलिए आज उन्होंने लगाई है राहगीरों के लिए पानी की छवि। मीठे पानी के साथ साथ लीची और गन्ने का जूस भी पिलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन दिव्यांग जनों की और दिव्यांग बच्चों की जिनको सुनाई नहीं देता और ना ही वे बोल सकते हैं, मगर अपनी कहानी स्वयं के जज्बात और हिसारों से व्यक्त जरूर कर सकते हैं। बस समझने वाला कोई चाहिए। ऐसे ही वाक्य के लिए हमारी टीम पहुंची सिरसा के शहर में, जहां पर सड़कों पर और आसपास में लगी पानी की छबीलों की कुछ फुटेज हमें चाहिए थी। लेकिन अचानक हमारा ध्यान उस ओर गया जहां एक पानी की छबील थी और चारों तरफ सन्नाटा, मगर राहगीरों को पानी पिलाने के लिए हाथ के तेज तेज इशारे और चलती हुई उनकी उंगलियाँ मानो हवा से बातें कर रही हों। हमने उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पास जाकर पता चला कि वे लोग शहर के ही दिव्यांगजन हैं। आते जाते राहगीरों को पानी पिलाने के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये दृश्य देखकर हमें भी आत्मविश्वास का एहसास हुआ। हमने उन्हें से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने इशारों से अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि हमारी एक एसोसिएशन है और हर साल इसी तरह से लोगों को गर्मी में ठंडा पानी पिलाते हैं, लेकिन आज वे इसके साथ साथ जूस भी पिला रहे हैं। उनका यह भाईचारा समाज के प्रति सेवा का जज्बा देखने लायक था। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। किनकी तरफ से लगी हुई छबील? अच्छा, क्या मकसद है, मतलब ये यहाँ पर? पिछली बार भी एकादशी पे यही प्रयास किया था और ये कह रहे कि हम हर साल ये अपना प्रयास करते हैं। ये कोई संस्था है इनकी? हाँ जी, इनकी संस्था का नाम है डी फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या जब ये लोगों को पानी पिलाते हैं तो हिसारे करके पिलाते हैं? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू।